ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम कल तक में कोई टॉपिक नहीं है ना, परसों परसों तक में कोई दिक्कत, परसों तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा अब टॉपिक चलेगा पार्शियली, है ना, इलास्टिक कॉलिजन। इन पढ़ने वाले थे पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या था, अब यहाँ पर देखो, आज हम थोड़ा चीजों को खींच देंगे आज, ठीक है। थोड़ा कंसंट्रेट होकर के सुनते रहना, बाकी तुमको सब पता है, अब कुछ भी कमाल का बात नहीं होने वाला है, सब चीज हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने आ गया ना क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उधर का सवाल में लगा देंगे। इन था सवाल हो रहा था सॉल्व, कोई फॉर्मूला वगैरह रखना तो नहीं था इसमें। अरे सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। M1 M2 है, मान लेते हैं कि U1 रफ्तार जा रहा है, ये U2 रफ्तार जा रहा है ना, किससे जा रहा है, U2 से। और सोच के देखो, ये वाला बॉडी ने ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे इसने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया होगा F2, नेट फोर्स इन कोलिजन डायरेक्शन में क्या हो गया, जीरो। अगर हम बोले कि M1 रफ्तार, अब M1 वाले का रफ्तार अब जो है V1 हो गया, और M2 वाले का बाद में रफ्तार V2 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्टॉर्शन हो चुका है, यहाँ पर क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो चुका है, बॉडी गेट्स डिस, है ना सर, उसको बॉडी गेट्स डिस्टॉर्टेड। क्लियर है बात, ये हम लोग समझ नहीं रहे हैं। वो जो स्प्रिंग वाला कंडीशन याद है तुम लोग को, स्प्रिंग वाला कंडीशन में पूरा तरह से रीगेन नहीं किया, उसी तरह से यहां पर भी जब डॉरिंग, जब बॉडी कोलाइड कर गया है उस कंडीशन पर, वहां पर जो बॉडी में डिस्टॉर्शन पैदा हुआ है उसको कंप्लीट रीगेन नहीं करा, इसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया मेरा बात, है ना, क्या बोलेंगे, नो कंप्लीट, है ना, रीगेन ऑफ इट्स शेप, कसते बात। और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, सम पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, कह सकते क्या, कह सकते क्या, सम पोटेंशियल एनर्जी आर स्टोर्ड इन द बॉडी, क्या इतना बात कह सकते हैं, क्या क्या इतना बात कह सकते हैं, सबको समझ में आई ये बात कि जब कोलिजन हुआ है तो बॉडी डिस्टॉर्ट हो चुका है, कुछ था नहीं इसमें, बाकी तब तो हमें समझ में आता है क्या करना है, क्या करेंगे, कहानी वही है कि मोमेंटम अभी भी कंजर्व रहेगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या बोलेंगे, M1 U1 प्लस में M2 U2, कह देंगे नहीं कह देंगे, बराबर M1 V1 प्लस में M2 V2, क्या यहां तक पे कोई सवाल, यहां तक में कोई कष्ट, क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो हमारा U1 माइनस में U2 है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो हमारा बड़ा V2 माइनस V1 है ना, है कि नहीं है। तो यहां से भी M1 निकाल लेंगे क्या, U1 माइनस में V1, देखो सही लिखे क्या, एक ही बार में M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2, अगर कॉमन निकाल लेंगे तो V2 माइनस में U2, क्या सही लिखे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही लिख दे रहे, चलेगा ना यहां तक, चलेगा ठीक है, यहाँ का बच्चा बोलते हैं चलेगा तो कहते हैं दौड़ेगा, ठीक है, चलो ठीक है। अगला चीज क्या सीखे, को एफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, इसको ई बोलते हैं, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, इन बोलते हैं। तो सेपरेशन वेलोसिटी कितना है, देखो तो V2 माइनस में V1 बाय U1 माइनस में U2, क्लियर हो गया बात। यहां से क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर ई टाइम्स ऑफ U1 माइनस में U2 हो जाएगा, क्या होगा ना, अरे सही लिखे ना, अरे बोलो रे। और एक और बात देखो ध्यान से, इस पूरे कहानी में हम ये कहेंगे अगर कुछ एनर्जी स्टोर हो चुका है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, टक्कर होने के बाद बॉडी थोड़ा टेढ़ा बढ़ा हो चुका है, तो हम ये कहेंगे शुरुआत में जितना काइनेटिक एनर्जी लेके चला था क्या बाद में उतना काइनेटिक एनर्जी रहेगा, कम हो जाएगा ना थोड़ा काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी तो स्टोर हो गया पोटेंशियल ग्रुप में,
यहां पर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो चुका है। एक और बात कहेंगे इस पूरे कहानी में कि जो सेपरेशन वेलोसिटी वो थोड़ा कम हो जाएगा जो अप्रोच वेलोसिटी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घट चुका है, तो जो ई का वैल्यू आएगा वो हर समय जीरो से ज्यादा होगा और वन से कम होगा। ठीक है, याद रखना है ई का वैल्यू क्या होगा, जीरो से ज्यादा और वन से कम। क्यों? क्योंकि देखो अगर जीरो से ज्यादा और वन से कम है तो ये डेटा कम है ना, वेलोसिटी सेपरेशन कम होगा ना। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है कम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, तभी ना इसका रेशियो वन से छोटा और जीरो से बड़ा होगा। जिंदगी मौत ना बन जाए। अरे देखो ना रे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आया, लेसर देन वन आया कि नहीं आया? अरे यार आपको नहीं समझ में आएगा सर, क्योंकि एक क्लास निपट चुका है, ध्यान सुनिए। पर पार्शियली इलास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको जब पता है कि वीडियो चल जाता है यूट्यूब पे तो वहां से पढ़ नहीं सकते हैं, जब मिस करते हैं क्लास तो वहां से ही पढ़ करके आगे आ जाया कीजिए ना, समझ में कैसे आएगा बताइए। तो अब सुनिए ध्यान से, एक बॉडी है, ठीक है, यहां तक एक बॉडी है, दूसरे बॉडी से गया टक्कर खाया, देखो मारा टक्कर, टक्कर मारने के बाद दोनों सेपरेट हुआ, हुआ अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया बात? यहां पर वही कहानी है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को हीट कर दिया, तो हीट करेगा तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि पहले ने अगर दूसरे के ऊपर फोर्स F1 लगाया, दूसरा भी पहले के ऊपर फोर्स लगा देगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अगर फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व, याद रहेगा ये बात, फोर्स अगर जीरो हो गया तो मोमेंटम हो जाएगा कंजर्व। अरे फोर्स बराबर क्या जानते हो भाई, डीपी बाय डीटी जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर फोर्स ही जीरो हो गया तो मोमेंटम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा ना, कांस्टेंट को ना डिफरेंशिएट करते करोगे तभी ना ये जीरो होगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना? तो मोमेंटम कंजर्व कैसे लिखेंगे, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, शुरुआत में मोमेंटम क्या लिखोगे, m1 u1 m2 u2, बाद में क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2 हो जाएगा, इस तरह से लिख लिया ये चीज। और एक वर्ड होता है हमने सीखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं ई। ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या तुम लोग को यहां तक पता है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, हम यहां से हम एक काम करते हैं, V2 का पहले लिख लेते जो लिखे हैं। क्या है हमारे पास, m1 u1 माइनस में v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस में u2, क्या सही लिखे, m1 u1 v2 माइनस u2, हाँ ठीक है, इक्वेशन नंबर वन आ चुका है। और दूसरा क्या लिखे, v2 माइनस v1 का वैल्यू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस में u2, ये लिखे क्या सेकंड नंबर इक्वेशन? तो क्या यहां से हम v2 का वैल्यू बता सकते हैं क्या? तो v2 का लिखा जाएगा eu1 माइनस में eu2 प्लस में v1 हो जाएगा, इसको यहाँ v2 के जगह पे पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, m1 u1 है ना माइनस में m1 v1 इज इक्वल टू m2, है ना, इसके जगह पे ये पुट करेंगे ना, eu1 माइनस में eu2 प्लस में v1, सही लिखें क्या, माइनस में u2। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद दिख रहा है, m2 eu1 माइनस में m2 eu2 प्लस में m2 v1 माइनस में m2 u2, क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक, तो अगर हम यहां से हमको निकालना है बताओ, तो v1 निकालना है क्या, ये वाला v1, तो अगर इस दोनों को इधर रखें बाकी सबको इधर भेज देते हैं तो क्या दिख रहा है, अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो बेसिकली दिखने लगेगा हमको m1 प्लस में m2 टाइम्स ऑफ v1, दिखेगा क्या? अरे ये v1 दिख रहा है और ये भी v1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे इसको इधर भेज दिए, इसको इस साइड भेज दिए तो ये प्लस हो जाएगा ना, अब बाकी सबको इधर भेज दो क्या हो जाएगा, इस साइड भेज रहे हैं तो यहाँ पर m1 u1 माइनस में m2 टाइम्स ऑफ eu1 प्लस में m2 eu2 प्लस में m2 u2, है ना। अगर हम v1 का वैल्यू पूछें तो u1 तो कॉमन आ रहा है, m1 माइनस में em2 बाई m1 प्लस में m2, कैसे लिखे हैं, अब प्लस में u2 टाइम्स ऑफ
एम टू प्लस में ई एम टू बाई एम वन प्लस में एम, कोई दिक्कत? और भी टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू टू, याद है ना कैसे करते हैं, वन के जगह पे टू लिख देते हैं सीधे, ई एम वन बाई एम वन प्लस में एम टू, क्लियर हो गया बात? यू वन एम वन प्लस में ई एम वन बाई एम वन, हाँ, ठीक तो है ना, एम वन प्लस में एम टू, क्या सबको समझ में आ गया? अरे बोलो, हाँ, तो ये प्रूफ, ये बस वेलोसिटीज निकाल दिए तुमको, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है ना, कोई कोई इस बात की कोई जरूरत नहीं है ना, अरे समझ रहे हो ना, इस पूरे प्रूफ का कोई जरूरत नहीं था। एक और चीज हम निकाल देते हैं तुम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर पूरे कहानी में, ठीक है, कि अगर ये हमारा M1 ब्लॉक है, ये अगर U1 से जा रहा था, M2 ब्लॉक जो है U2 से जा रहा था, टक्कर मारा इसने इसको, टक्कर मारा, M1 वाला B1 से भागने लगा, M2 वाला B2 से भागने लगा, ठीक है बात? तो हमको एक बात पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो क्या बोलोगे, हाफ ऑफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ M2 U2 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे क्या? और कैरेटे फाइनल क्या हो जाएगा, M1 V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ M2 V2 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे क्या? इसमें कोई शक नहीं है ना। अगर आप पूछे कि कैरेटे एनर्जी में लॉस कितना का हुआ है, क्या लॉस तो हुआ है ना, हमको पता है ना कैरेटे एनर्जी लॉस हुआ है, अरे कैरेटे एनर्जी में लॉस हुआ है ये तो पता है ना हमको, तो इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे, तो हाफ ऑफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ M2 U2 का स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, तो हाफ ऑफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ M2 V2 का स्क्वायर, क्या हम ये लॉस को कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी? सोच के जवाब देना जल्दी से, क्या ये जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी के बराबर है क्या? अरे बोलो, हाँ है क्या, इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, अरे है कि नहीं है, क्या ये बात तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है इस पूरे पिक्चर में, उसके वो क्यों हुआ होगा, क्योंकि स्प्रिंग, याद है स्प्रिंग वाला में थोड़ा कंप्रेस रह गया था, तो वो कंप्रेशन की ही वजह से ना थोड़ा सा एनर्जी में लॉस आया है। अरे बोलो रे, हाँ, मारपीट नहीं करने लगा रे, हाँ ठीक है, कौनो कष्ट तकलीफ प्रॉब्लम परेशानी कुछ है तो बताओ, नहीं है ना, एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर ले, समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। अरे भगवान के लिए बोलते रहे, कुछ हो बोल दो, 10 किलो का एक बॉडी, हाँ, ये ओहो मजा आ गया, बैल 20 किलो का बॉडी है, ये 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी बताओ कितना है इसका, 10 किलो वाले का, और 20 किलो वाले का भी बताओ वेलोसिटीज कितना है, ठीक है, अगर दिया है ई का वैल्यू 0.4, ठीक है, एक नंबर, दो नंबर में ई का वैल्यू दिया 0.6, क्या बन जाएगा? एंड ऑल्सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी का लॉस, दोनों ही केस में, क्या हम बनाना स्टार्ट करें, क्या हम बिना पढ़े बना सकते हैं इसको, क्या हमने सीखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ये तो पता है ना, क्या बोलेंगे चलिए बताओ, 10 × 4 प्लस में 20 × 3, यहां तक चलेगा, इज इक्वल टू 10 V1 प्लस में 20 V2, इसमें तो कोई शक नहीं है ना किसी को, अरे इसमें कोई शक नहीं है ना किसी को, अरे बोलन रे, अरे पापी सब कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, ये पहला लाइन लिखने में किसी को कष्ट है? ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोलते हैं बताओ,
ई इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जानते हैं क्या नहीं जानते है? इसका वैल्यू दे के रखा है 0.4 दे के रखा है क्या? तो सेपरेशन वेलोसिटी है कितना देखो, तो यहाँ सेपरेशन वेलोसिटी कितना वी टू माइनस वी वन होगा क्या, बाय यू वन माइनस यू टू कितना 4 माइनस में 3 इक्वल टू ये वाला 3 टू जा 6 प्लस में 4 10 सॉरी यार 2 वी टू होगा ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना दिया, 2 बाय 5 दिया है क्या, यह कितना दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 5v2 माइनस 5v1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। क्या ये एक इक्वेशन दिख रहा है, क्या ये एक इक्वेशन दिख रहा है? सॉल्व करोगे v1 v2 आ जाएगा, क्या सॉल्व करोगे v1 v2 आएगा, तो कौन बताएगा हमको क्या आंसर है इसका v1 v2 का? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे v1 साफ हो जाएगा, तो 50 और ये हो गया 10 और 5 15 है ना, 50 प्लस में 2 इक्वल टू 15 वी टू। तो वी टू का वैल्यू कितना आ गया देखो तो जल्दी से, 52 बाय 15 सही है क्या, मीटर पर सेकेंड ये हो गया। और वी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 2 वी टू यानी कि 104 बाय 15 है ना। तो 150 माइनस में 104 कितना हो जाएगा, 46 बाय 15 मीटर पर सेकंड सही लिखा है क्या, क्या सही लिखा हुआ है तुम लोग को इतना बात समझ में आया? अरे मान लो डेटा गलती है लिखे, बात तो समझ में आया ना कैसे करें, क्या है तुम लोग से बन जाएगा इतना काम? ठीक है, अगर हम पूछे कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, ये सवाल पूछ रहे थे ना, के लॉस क्या होगा इसमें पिक्चर में कि सर जी इसका काइनेटिक एनर्जी शुरुआत का बता दीजिए, बाद का बता दीजिए, घटा दीजिए, है ना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या आएगा बता दो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस में काइनेटिक फाइनल, क्योंकि लॉस अगर होगा तो शुरुआत ज्यादा होगा ना। तो हाफ ऑफ एम वन कितना है 10, बी वन कितना है 4 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात? प्लस में हाफ ऑफ दूसरा बॉडी है 20 किलो का, वो है 3 का स्क्वायर पर, माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू बी वन कितना है 46 बाय 15 का स्क्वायर। डेटा थोड़ा खराब आ गया है तो सॉल्व नहीं करना, लेकिन बात समझ गए? अरे बोलन रे हा, क्या इतना जूल आएगा, इतना जूल आ जाएगा, समझ में आया, समझ में, गुड, बस और कुछ था नहीं, क्लियर है बात? बस इतना ही कहानी, और कुछ थोड़ी ना, आगे बढ़ा जाए। क्या ये सबसे आसान टॉपिक पढ़ रहे हो कि बहुत भारी टॉपिक पढ़ रहे हो? अरे समझ रहे हो, इसका प्रूविंग वगैरह देख करके बस बस थोड़ा माथा दर्द होता है ये सब चीज देख करके, बाकी तो सब आसान है, बाकी सब क्या है बहुत आसान है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोले तेरे बिना पढ़े भी सब पढ़ने का कोई जरूरत था बताओ तो, है ना? इसलिए आप देखो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात हो रही थी, ए और बी दिख रहा है, ये एम वन ब्लॉक है और ये एम टू ब्लॉक है, ये अगर यू वन से भाग रहा है और ये यू टू से भाग रहा है, तो इस चक्कर में क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, इसमें क्या हो जाएगा, नो रीगेन ऑफ इट्स सेप, है ना, सेप फ्रॉम डिफॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन से, डिफॉर्मेशन जब हुआ है उसके बाद किसी भी तरह का रीगेन नहीं करा इसने सेप में, समझ गए बात को? तो हुआ क्या कि दोनों का दोनों देखो टक्कर खाया और दोनों साथे में चल गया, दिख रहा है क्या? अरे बात समझ में आया, दोनों बॉडी, ये बॉडी और ये बॉडी, दिख रहा है क्या, दोनों ही बॉडी कॉमन वेलोसिटी से चल गया, है ना, ये हो गया कॉमन वेलोसिटी, कह सकते क्या? अरे बोलन रे हाँ, दोनों टक्कर खा करके छूटा ही नहीं, बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलन रे हाँ, दोनों का दोनों साथ में ही चल दिया, चिपकाई, मतलब समझ रहे हो बात को? अगर अरे समझ में आया,
अब क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा एक और बात सोच के देखो, क्या ये वो वाला फेज है जबकि दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहा था और मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग था, ये वही वाला कंडीशन है क्या? और बीच में जब, अच्छा हम लोग पिछले क्लास में ये सब डिस्कस भी करेंगे, जब कॉमन वेलोसिटी चल रहा होगा तो ये वाला वही कंडीशन है ना। तो यहाँ पहला काम, तो हमको कोई मतलब नहीं, हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। तो क्या बताइएगा, m1 u1 प्लस में m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2 दोनों का दोनों v डॉट रफ्तार जा रहा है। तो क्या हम सीधा सी कह दें कि v नॉट का वैल्यू जो है वो m1 u1 प्लस में m2 u2 बाई m1 प्लस में m2 के बराबर है क्या, है कि नहीं है? अरे बोलो ना, हाँ सीधा। क्या यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u1 माइनस में u2। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेट हुआ है क्या, तो सेपरेशन जीरो। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही जीरो तो ई क्या हो गया, जीरो, याद रहेगा क्योंकि ई बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो बाय u1 माइनस में u2 क्या मिला, जीरो ही ना, जीरो हुआ ना। क्या इसमें मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, क्या ये कह सकते क्या, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह सकते क्या? तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस आया होगा वो कैसे निकालेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस आया होगा वो कैसे निकालेंगे बताओ, के लॉस कैसे निकालते हैं? शुरुआत में सर काइनेटिक एनर्जी होगा, अब बाद में काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों घटा दीजिए। शुरुआत में कितना है बताइए, तो हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर, क्या दिख रहा है क्या? में से घटा दीजिए सर बाद वाला, बाद में दोनों ही मास साथ में चला और कॉमन वेलोसिटी v नॉट का होल स्क्वायर से, क्या तुम लोग को दिख गया ये बात? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा तुम लोग को, इसलिए अब यहां से कंसंट्रेट होकर के देखना। तो हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ m1 प्लस में m2, v नॉट का वैल्यू क्या था देखो, तो m1 u1 प्लस में m2 u2 बाय m1 प्लस में m2 था क्या, था ना, इसको पुट कर दे, m1 u1 प्लस में m2 u2 बाई m1 प्लस में m2 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये वाला हिस्सा से कट जाएगा तो बचेगा क्या, m1 u1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 m2 u2, क्या सही लिखे हैं? अरे a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए और नीचे में m1 प्लस में m2 चलेगा यहां तक, क्या हाफ सबसे कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा, और नीचे में एलसीएम दिख रहा है क्या, m1 प्लस में m2, तो m1 क्या दिखा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस में m2 है ना, m1 m2 u1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं प्लस में, उसी तरह से m1 m2 u2 का स्क्वायर माइनस में, सॉरी प्लस में m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस, ये सब हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 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 माइनस में m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस में 2 m1 m2 u1 u2, सही लिखे क्या, यहां तक चलेगा ना। देखो ध्यान से, m1 का स्क्वायर भी है ना रे, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर कट गया क्या, और m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर कट गया, ठीक है यहां तक? अरे बोलो रे, हाँ। तो बचा क्या, हाँ हाफ ऑफ, देखो यहां पर m1 m2 m1 m2 और यहां पर भी m1 m2 दिख रहा है क्या, तो ये सब कॉमन आ रहा है क्या, m1 m2 हर जगह कॉमन आ गया ना, u1 का स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर
माइनस में टू टाइम्स ऑफ यू वन यू टू दिख रहा है ऊपर में, अब बाय नीचे में एम वन प्लस में एम टू, आ रहा है ना। अच्छा ये देखो, ये यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर है क्या? तो ध्यान से देखो जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाफ ऑफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस में एम टू इन टू यू वन माइनस में यू टू का होल स्क्वायर, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का लॉस। क्या याद रहेगा फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं सर। के लॉस का फॉर्मूला हम क्या लिखा है, घर पे बैठकर इसको अच्छे से लिखना, ठीक है? तुम लोग बना रहे हो नोट्स की नहीं बना रहे हो? यू हाँ ठीक है, यू वन माइनस में यू टू का होल स्क्वायर, देखो तो यही लिखा है ना फॉर्मूला पीछे, हम इसको लिखते हैं ऐसे करके, देखो हमको ऐसे याद रहता है ये, हम इसको बोल देते हैं म्यू, इसको बोलते हैं भी अप्रोच का होल स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का लॉस। क्या तुम लोग को याद रहेगा इसे? हम म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस्ड मास, जिसके जगह पे हम लिखते हैं एम वन एम टू बाई एम वन प्लस में एम टू। कोई दिक्कत है? तो बोलो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम लॉस होगा हम उसको लिख सकते क्या, हाफ ऑफ म्यू वी अप्रोच का होल स्क्वायर? अरे बोल रहे हाँ, सबको बोलो हाफ एम वी स्क्वायर नहीं बोलेंगे अब, हाफ म्यू वी अप्रोच का होल स्क्वायर, ठीक है? तो तुम उस चीज से मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। कोई सवाल है किसी को? कोई सवाल है? एक एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हमको कह दिया कि एक बॉडी है, ठीक है, जो कि 10 किलो का है, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना, या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 20 किलो का बॉडी है जो कि भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों टक्कर किया साथ में भागने लगा कॉमन वेलोसिटी से, तो पहला सवाल क्या है यही बताओ कितना है, और दूसरा बताओ काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो बताओ कितना है। सवाल समझ में आया? क्या बना दोगे कि अभी हम बनाए? क्या एक मिनट? हाँ एक मिनट हम वेट करें। हम लिख सकते हैं 10 इंटू 20 प्लस में 20 इंटू 10 इक्वल टू, दोनों का दोनों कॉमन चलने लगा, तो हम अपना नहीं बनाया, खाली तू ही पास करेगा। क्या सही बनाए यहां तक? हम चेक करो तो, खुशी बन रहा है रे आनंदिनी, खाली यस सर ने सवाल बताओ बना कि नहीं बना, मतलब भारी लग रहा है। हाँ ठीक है, चलिए बताओ, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ ऑफ 10 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ 20 इंटू 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 5, और ये हो गया 10, ये 4 पंचे 20 है ना, 2000 और प्लस में 100, 1000 कितना हो गया? 3000 जूल। और फाइनल कितना हो गया जी? हाफ ऑफ दोनों वजन है ना, दोनों वजन कितना हो गया? 10 प्लस 20 वेलोसिटी का स्क्वायर 40 बाय 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? हाफ ऑफ 30 इंटू 1600 बाय 9, ये तो हो गया हमारे पास 10, और ये हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास 800, तो 8000 बटे 3 जूल, साफ साफ दिख रहा लॉस है। शुरुआत में 3000 जूल था, बाद में 8000 बटे 3 जूल है, कम हुआ कि बढ़ गया?
लॉस बता देंगे। के लॉस का मतलब कितना हो गया बताओ तो, 3000 माइनस में 8000 बाय 3। क्या तुम लोग सही बना रहे हो कि हम ही गलत बना रहे हैं? सही है क्या? सॉरी, 9 में से 1000 ना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। क्या हम सीधा सीधी कर सकते थे? सीधा सीधी हम अल्टरनेटिवली इस सवाल को बना सकते। के लॉस का फॉर्मूला क्या सीखे बता तो, हाफ ऑफ म्यू वी अप्रोच का होल स्क्वायर सीखे हैं। तो हाफ ऑफ एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू, ये पढ़े हैं, इनटू वी अप्रोच यानी कि यू वन माइनस में यू टू का होल स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एम वन कितना है? 10, एम टू है 20 बाय दोनों का सम। सही लिखे क्या? और अप्रोच वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 20 माइनस में 10। तुम लोग को दिखा ये बात? क्या तुम लोग को ये दिखा डायरेक्ट? अरे समझ में आया कि नहीं आया? 200 बाय 30 है, 20 20 30 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से हो गया 100। कितना हो गया? 10,000 हो गया रे। नहीं, हाँ ठीक, तो 1000 बटे 3। क्या समझ में आया? ये तो कितना सीधा सीधी बन गया, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो तुमको बस इतना पता रहना चाहिए, देखो सीधा सीधी बात है कि अगर परफेक्ट, सुनो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, जिसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब जेई मेन में या नीट के क्वेश्चन में आते हैं उस तरह क्वेश्चन हम उससे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहां से किसी एच हाइट पर से हमने एक बॉल को ड्रॉप करा। ठीक है, ये एच हाइट पर से हमने ड्रॉप कर दिया ऐसे। ठीक है, ये जब यहां गिरा होगा तो उसका रफ्तार कितना होगा बता सकते हो? हाँ, टक्कर होने के बाद रफ्तार क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि पहला कंडीशन ले रहे हैं, केस नंबर वन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्या ले रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं, इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तब रफ्तार में कोई चेंज नहीं आएगा, रूट टू जी एच ही होगा। क्यों होगा बता दो? क्योंकि जितना से अप्रोच करेगा उतने से सेपरेट करना चाहिए, और ये ग्राउंड तो मूव कर नहीं रहा है, तो जितना से अप्रोच किया उतने से दूर चला गया, तो रफ्तार में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए? अगर यही रफ्तार अचीव करेगा तो क्या ये सेम हाइट अचीव कर लेगा? फिर यहां से आएगा नीचे, क्या तुम लोग को दिखा? फिर से रूट टू जी एच से गिरेगा। अरे समझ में आ रहा है बात? फिर रूट टू जी एच होगा। समझ गए बात को कि नहीं आया? क्या ये ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम चलते रहेगा? अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना है तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा ना ये चीज, समझ रहे हो बात को? हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं कि बताओ कि इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, कितना टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? तो हम बोलेंगे सर एच आया, फिर गया, देखो एच गया और एक एच आया यानी कि 2H आया, पहले कॉलिजन के समय इसने एच डिस्टेंस कवर करा। ठीक है यहां तक? फिर एक कॉलिजन होने के बाद जब दूसरा कॉलिजन होना है तब इसने 2H डिस्टेंस कवर करा। डिस्टेंस की बात कर रहे, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे। क्या तुम लोग को दिख रहा है? क्या फिर से इसने 2H डिस्टेंस कवर करा और ऐसे चलते रहेगा, नहीं करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। टोटल डिस्टेंस इतना ही कवर किया ना इसने। अगर हम पूछे इसने कि टोटल किसने इसने टाइम कितना लगाया, तो एक बात बता सकते हो, इसको नीचे ऊपर से नीचे गिरने में समय कितना लगता है? टाइम जो होता है वो होता है रूट ओवर 2h/g। क्या जानते हो ये बात? जो समय लगता है वो रूट 2h/g लगता है। नहीं पता है ना ये? तो चलो ध्यान समझो, मान लेते हैं। हेलो, अरे कुछ इनिशियल रफ्तार 0, जब ये गिर रहा था तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस में जी। जब जमीन पर गिर, समझ रहे बात को? ये दो चीज पता है, एच पता है,
क्या लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस में, समय निकालना है ना, तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो गया एच माइनस में, यू कितना है जीरो माइनस में हाफ जी टी का स्क्वायर, माइनस से माइनस खत्म हो गया, हो गया ना टू एच बाई जी का रूट टाइम। एक बॉल को कितना देर में नीचे गिरा, रूट टू एच बाई जी। अब याद रखो, जैसे हमको याद है ना तुम लोग को भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि टोटल टाइम कितना लगा, तो सर जी एक टी तो लगा ऊपर से नीचे आने में, लगा ना इसको यहां से जाने, एक टी लगा, और कितना लगा फिर टू टी और लगा, फिर टू टी लगेगा, फिर टू टी लगेगा, चलेगा क्या इस तरह से इनफिनाइट टाइम तक। इसमें किसी को डाउट है? अगर हम तुमसे पूछें कि एवरेज स्पीड कितना है इसका, तो कहोगे सर कि जितना टोटल डिस्टेंस कवर करा है अब बाय टोटल टाइम करवा दीजिए, चलेगा क्या ये बात, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दे तो काम बन जाएगा, तो एवरेज स्पीड निकलेगा। कुछ तो बोलो, अरे नंदिनी कुछ बोल रही है। हाँ तो टोटल डिस्टेंस कितना, सबको इतना इतना डिवाइड कर दो, एच प्लस टू एच प्लस टू एच प्लस टू एच डॉट डॉट बाय टी प्लस टू टी प्लस टू टी प्लस टू टी डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बात, एच बाय टी कॉमन आ रहा है क्या, वन प्लस टू प्लस टू प्लस डॉट डॉट ऐसे रहेगा, वन प्लस टू प्लस टू प्लस डॉट 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 ऐसे। क्लियर है बात, अरे कोई कष्ट है इसमें? ठीक, लेकिन दिक्कत होगा तब जबकि हम कहेंगे केस नंबर टू बनाएंगे, पार्शियली इलास्टिक होगा, कैसा होगा पार्शियली इलास्टिक कोलिजन अगर हुआ तो, आप देखना ध्यान, अरे समझ रहे हो, ये रहा अपना गेंद, ठीक है, जिसका इनिशियल रफ्तार है जीरो, ठीक है यहां तक। ये जब ऊपर से नीचे आया तो टक्कर खाया, मान लो कि रूट टू जी एच से, किससे खाया रूट टू जी एच से, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है इस बार, समझ रहे हो, उसको एनर्जी का लॉस हो चुका है, क्या हो चुका है एनर्जी का लॉस। अगर हम भी वन से बोले आया है तो टक्कर खा करके ये भी टू से निकला होगा, क्या सेम रफ्तार से निकला होगा ना, अब तो कहोगे ना कि भाई सेम रफ्तार से नहीं निकला, कुछ तो एनर्जी सर लॉस हो गया, कहोगे कि नहीं कहोगे। तो ई बराबर क्या होता है सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेट कितना से कर रहा है ये, देखो ऐसे समझो इस जमीन से ये दूर भाग रहा था, सेपरेट हो रहा है ना भी2 से, जमीन तो रुका हुआ है, सेपरेट हो रहा है भी2 से, और अप्रोच कर रहा है भी1 से, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहां से क्या कहोगे कि सर v2 का वैल्यू e v1 हो जाएगा, कहोगे क्या, अरे v2 का वैल्यू e v1 होगा कि नहीं होगा अगर ऐसा हो गया तो v2 का क्या हो जाएगा, रूट ओवर e टाइम्स ऑफ रूट टू जी एच हो जाएगा, ठीक है। मेरा सवाल एक और है, आने में कितना समय लगा, वो तो t लगेगा ना आने में ना, इसको हम कहते हैं t टाइम, t बराबर हो गया रूट ओवर टू एच बाई जी, ठीक है। मेरा एक और चीज है कि यह कितना दूर चलेगा, क्या दूर उतना तो नहीं जाएगा ना, थोड़ा कम ही दूर चलेगा क्या, अरे समझ में आ रहा है बात, जब रफ्तार कम हो चुका है तो हाइट तो कम ही होगा, हम इसको h1 कर देते हैं, ये अगर h है तो क्या कह सकते हैं h1, क्या हम h1 कह सकते हैं, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v0 है। अब देखो ध्यान से, अब बॉडी v2 से चल रहा है, रफ्तार घट चुका है, v2 से चल रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो चुका है, तो फॉर h1, h1 के बारे में बात कर रहे थे, इनिशियल रफ्तार कितना, देखो तो v2 है ना, यहां से चला यहां पहुंचा, इनिशियल रफ्तार कितना v2, जिसका वैल्यू तुम कितना बताए e टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2gh, ये बताए हो, x1 पता है ना माइनस में g है,
डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h1, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है 0। इन सब में कौन सा रिलेशन लगता है? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर और 2as लगता है क्या? किन लगता? तो v हो गया 0, u कितना है e का स्क्वायर और 2gh, 2x कितना हो गया माइनस में g, और h हो गया h1। तो h1 बराबर क्या हो गया? देखो तो g से g खत्म हो गया ना, 2h1, तो e स्क्वायर h हो गया, नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ, समझ में आया यहां तक बात कि कुछ दिक्कत है? दिक्कत है तो फिर से बोल दे। हम मेरा ये कहना है कि भाई h1 तो कम होगा ना, तो वो h1 क्या हो गया? e स्क्वायर टाइम्स ऑफ घट गया, समझ रहे हो बात को? अगर 0.4 दिया होता e, तो समझ रहे हो 0.4 का स्क्वायर 0. वो क्या हो गया 1/6 है ना, उतना गुना रह गया मात्र, यानी कि हाइट बहुत छोटा हो गया। और इसीलिए जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं चीजों को फेंकते जमीन में, तो बहुत कम उछलता है, उछलता है ना। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? अरे ये छोटा है सर जी, अभी तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सर मल्टीप्लाई करने से बड़ा हो जाता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे ये छोटा नंबर है रे, वो 0 पॉइंट में है, और 0 पॉइंट से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटा हो जाता है, ये भी सिखाना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो? हम ही को समझ रहे हैं सब बात, ठीक है? नहीं आता है? समय कितना लगा होगा जाने, मान लो कि T1 टाइम लगा, आने में T1 लगा होगा, समय के बारे में बात करते हैं, समय भी निकाल ही लेते हैं। यहां से एक फॉर्मूला लगा लें कि v बराबर u प्लस में t से, है ना? तो v कितना हो गया 0, इनिशियल रफ्तार कितना, रूट ओवर सॉरी e टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2gh, है ना इनिशियल रफ्तार, अरे जिस रफ्तार जा रहा है जाने का समय, माइनस में जी T1, है ना? तो T1 बराबर क्या हो गया देखो तो, E टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2gh बाय जी, ये हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया, E टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2h बाय जी। तो बेसिकली हम कह दें ET कह दें क्या, क्योंकि रूट 2h बाय जी को तो हम T कह दिए, क्या हम इसको ET कह दें क्या, कि ET जाने में और ET आने में समय, तुम लोग को समझ? अगर अब हम पूछे तुमसे कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर करा, तो तुम क्या बोलोगे? सर एच आया है ना, फिर कितना गया 2h1, हुआ क्या? अरे वन रे प्लस में 2h2, क्योंकि अगली बार जब टक्कर खाएगा तो और नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, रफ्तार घट जाएगा ना, तो और छोटा छोटा कोलिजन करेगा 2h3, ऐसे करते हुए इनफिनिट टाइम्स जाएगा। तो बेसिकली अगर हम h कॉमन निकाल लें, अरे h काहे के लिए कॉमन निकालेंगे, अभी अभी रुक जाओ, इरेज करते हैं इसको, देखते रहना ध्यान से। h प्लस में 2, h1 कितना था, h1 कितना था, e स्क्वायर h था क्या, था ना? प्लस में 2 h2 क्या, e पावर 4h लिख चलेगा क्या? क्या देखो क्या फील हुआ तुम लोग को, h2 कितना होगा, e पावर 4h, क्या हम ये भी करके दिखाएं, ये h2 भी निकाल के दिखाएं? अरे मान लो कि v2 था, v2 कितना था, e v1 था ना, यहां पर भी e v1 से गिरेगा तो एक और e स्क्वायर v1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार और मल्टीप्लाई, e का स्क्वायर का एक और स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर e पावर 4 आएगा ना, अरे e स्क्वायर को यहां पुट करोगे e पावर 4 आएगा कि नहीं होगा H2 वाले में? अरे समझ में आया ही नहीं यार, यहां पर ये E V1 से गिरा है तो एक और E से मल्टीप्लाई करोगे तो E स्क्वायर V1 से ऊपर जाएगा, ठीक है? हाँ, तो यहां पर E पावर 4H, तो 2 E पावर 6H हो जाएगा, आ रही बात समझ में, 2 E पावर 8H हो जाएगा ऐसे, तो H तो कॉमन आ गया, तो 1 प्लस में 2 E स्क्वायर प्लस में 2 e पावर 4, 2 e पावर 6,
चलते रहेगा। क्या हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्या? वन प्लस में टू ई स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लोगे क्या दिख रहा है? वन प्लस में ई स्क्वायर प्लस में ई का क्यूब, सही है क्या? अरे बोल रहे हाँ, ई पावर फाइव ई पावर सिक्स, सही लिखे क्या? अरे सही लिख रहे हैं ना। ये देखो तो क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है क्या? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है क्या? सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सुने हो ऐसा कुछ कभी लाइफ में? क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? ए बाय वन माइनस में आर, जानते हो? तो बताए तो रहे अभी, आप गजब की बात करते। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म आर्म है ना, ये क्या होता है? अच्छा पता चल गया ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म आर, बोलते हैं इसको कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। हाँ तो ये हो जाएगा है ना, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है? ये चीज है यहाँ पर। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल अगर हम पूछें डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या था एच वन प्लस में टू ई स्क्वायर, ठीक है, वन प्लस में ई स्क्वायर ई पावर थ्री ई पावर फोर, ऐसे चल रहा था ना। तो एच वन प्लस में टू ई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है यहां पर? वन दिख रहा है क्या? और कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है? कॉमन रेशियो देखो, फर्स्ट टर्म कितना हो गया? वन, और कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कौन है? ई स्क्वायर बाय वन, तो ई स्क्वायर इन हुआ। और सम ऑफ इनफाइनाइट डीपी क्या होता है, जीपी क्या होता है? वन बाय वन माइनस में आर, तो वन क्या हो गया? ए वन माइनस में आर मतलब ई स्क्वायर, सही लिखे क्या? अरे अब तो ठीक है, क्या हो गया? एच एलसीएम लिया जाएगा, वन माइनस में ई स्क्वायर प्लस में टू ई स्क्वायर बाय वन माइनस में ई स्क्वायर। ओहो मजा आ गया क्या? वन प्लस में ई स्क्वायर बाय वन माइनस में ई स्क्वायर चलेगा क्या? इतना हो गया टोटल डिस्टेंस ने कवर करा, समझ में आया? अरे सबको समझ में आया कि हम ही को समझ में आया? बोलो न रे, ये फिर से बता दें, ये वाला फिर से बता दें। अब तो मैंने जैसे धप्पा मार, तो चलो ध्यान से सुनो, फिर से सुनो क्या क्या बताए, फिर से पढ़ा दें, चलो फिर से बताते हैं, ध्यान सुनो। यहां पर से एक बॉडी को हमने ड्रॉप करा, ठीक है, ऐसे ऐसे आया यहां तक आया, यहां पर आते ही इसके पास कुछ रफ्तार रहा भी, जिसको हम कह देंगे रूट टू जी एच। यहां तक में कोई सवाल नहीं होना चाहिए किसी को। टक्कर होने के बाद इसका रफ्तार हो गया भी वन। क्या हम ये जानते हैं E बराबर जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है? सेपरेशन कितना हो गया V1, और अप्रोच था V, है ना? तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? E V हो जाएगा ना। क्या यहां तक मैं किसी को डाउट है बताओ, पहले पहले टर्म में, पहले टर्म में कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर ये और चला इससे, अब रफ्तार तो कम हो जाएगा ना, रफ्तार कम हुआ है तो हाइट भी इसने कम कवर करा, मतलब यहां पर आया इसने इसका हाइट कवर करा h1, कितना कवर करा h1, तो वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है, तो हाइट भी कम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इनिशियल रफ्तार कितना हो गया v1, जिसका वैल्यू तुम बोल रहे हो e टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2gh। ये इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सेक्शन पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस में जी, क्योंकि हर समय निगेटिव लगता है माइनस ये सब तो जानते हो ना तुम लोग कि सब चाट गए हो। डिस्प्लेसमेंट हो गया h1, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया 0, और टाइम हो गया t1, यहां से तक जाने में समय लगा होगा t1, और आने में सेम टाइम टाइम लगेगा t2 t1। क्या इन सब में हम दो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं ना, कि क्या लगा सकते हैं? s बराबर v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर बाय 2a, क्या लगा सकते हैं क्या? s कितना हो गया h1, भी कितना हो गया 0 माइनस में यू स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर 2gh, है ना, बाय माइनस में 2g, तो 2g 2g खत्म हो गया, क्या बचा? ई स्क्वायर h बचा।
आप तो ठीक है? अरे आप तो ठीक है ना यहां तक? तो v माइनस में u बाय a बराबर हो जाएगा टाइम t1, तो v हो गया 0, माइनस में u के जगह पे क्या लिखेंगे, u के जगह पे e टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2gh बाय a माइनस में g। तो सॉल्व करेगा तो t1 के जगह पे क्या आएगा, ये g से g कट गया ना रूट में आकर के, माइनस माइनस भी खत्म खत्म ही होगा, क्या हो जाएगा रूट ओवर 2h बाय g। और रूट 2h बाय g क्या था, यहां से तक जाने का समय, तो टाइम के जगह पे लिखते हैं रूट ओवर 2h बाय g, ये क्या हो गया e t। क्लियर है बात? अब टक्कर हुआ यहां पर मान लो कि कितना रफ्तार से V1 से, टक्कर होते ही रफ्तार क्या हो जाएगा EV2, है ना। V1 का वैल्यू क्या था, EV था ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा E टाइम्स ऑफ EV, बेसिकली क्या हो गया E स्क्वायर V ना। अरे रफ्तार जैसे टक्कर खाएगा तो E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले से ये वो E था, E स्क्वायर V हो गया। तब यहां से क्या हो जाएगा, अब किसी और हाइट से चलेगा ना ऐसे करके, इसका हाइट हो जाएगा h2, ठीक है यहां तक। तो h2 बराबर क्या हो जाएगा e स्क्वायर के जगह पे e पावर 4h, है ना। इसका समय मान लो t2 टाइम लगा, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा 2et हो जाएगा, क्योंकि एक बार et दूसरे बार 2et। अरे बोलो हाँ, सॉरी et कैसे हो जाएगा, e स्क्वायर ना है, e स्क्वायर है ना, 2e2t हो जाएगा। ये तुम लोग को नहीं दिखा होगा ना, फिर से दिखा दें, दिखा दें कि यहाँ पर 2et होगा, क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर अब रफ्तार कितना हो गया e स्क्वायर भी हो गया। समय के लिए क्या निकालोगे t2 के लिए, तो v माइनस में u, यानी कि u कितना e स्क्वायर भी बाय g, ऐसे कहोगे ना। अरे वन रे, तो e स्क्वायर भी बाय g, तो v बाय g को समय है ना, तो t2 बराबर क्या हो गया e स्क्वायर। अभी ठीक है यहां तक? अरे अब तो ठीक हुआ, ठीक है। अगर हम पूछे कि अब टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर करा, तो कहेंगे सर h, फिर 2e2h, फिर 2e4h प्लस 2e6h प्लस 2e8h, ऐसे लगा क्या, h कॉमन आ गया, 1 प्लस में 2e2 प्लस में 2e4 प्लस में 2e6 प्लस में 2e8, है ना, ऐसे करके। तो क्या h कॉमन आ गया, क्या 1 प्लस में 2e2 कॉमन ही आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस में e2 प्लस में e3 प्लस में e4 प्लस में e5, चलेगा क्या, ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है ना, तो टक्कर तो होते रह जाएगा, टक्कर ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये ऐसे समझ रहे बात को कि नहीं आया, ये टक्कर ऐसे होते रहेगा ना। तो क्या हो गया यहां से h 1 प्लस में 2e2, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। तो ये सम ऑफ इनफिनाइट जीपी क्या होता है, पहला टर्म बाय 1 माइनस में दोनों का रेशियो, तो रेशियो कितना e2। सॉल्व करने से क्या मिला, 1 प्लस में e2 बाय 1 माइनस में e2, इन्होंने बताए हैं। अभी फिर बता दें जब हो गया, अरे बोल रहे हाँ, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समय निकालना है अभी, टोटल टाइम निकालना है, क्या निकालना है हमको, टोटल टाइम, तब डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तब निकलेगा एवरेज वेलोसिटी, ये तीन को काम करना है इसमें, ठीक है। तो सवाल है टोटल टाइम कितना लगा, तो पहले तो लगा टी, फिर कितना लगा, पहले लगा था टी, दूसरी बार 2t1, है ना, और 2t1 के जगह पे लिख सकते हैं et। अरे 2t1 लगा ना, फिर 2t2 लगा होगा, फिर 2t3 लगा होगा, ऐसे लगा होगा ना इनफिनाइट टाइम। अरे समझ रहे हो बात को, t1 के जगह पे et, फिर 2 टाइम्स ऑफ यहां पर e2t प्लस में 2e3t, है ना, ऐसे करके इनफिनिटी तक। तो टी कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस में 2e, 2e2, 2e3, टी कॉमन, क्या एकदम सेम तरह का काम बनते जा रहा है क्या। अगर 2e कॉमन निकालें तो 1 प्लस में e प्लस में e2 e3, दिख रहा है क्या, कि ये भी सम ऑफ इनफिनाइट जीपी है।
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तुम लोग को जीपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे बुलंद रे, अच्छा नहीं पढ़े हैं। चलो ठीक है, एक छोटा सा चीज पहले देख लो तब। जैसे है ना, एपी में क्या होता है, एपी जानते हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2, 4, 6, 8 है ना, होता है। उसी तरह से अगर बोले जीपी क्या होता है, तो जैसे ना ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बात समझ में आया? अरे समझ में आया बात? ये नहीं नहीं सॉरी, हम गलती कर दिए। 1 ठीक है, कॉमा करके, इसका डबल, डबल का डबल 4, 4 का डबल 8, 16, 32, 64। समझ आया बात? ये इसको कहेंगे जीपी, है ना, डबल होता है गया, है ना। जैसे कि अगर एक और बोल, 1 का ट्रिपल, इसका ट्रिपल 9, इसका ट्रिपल 27। समझ रहे हो आपको? यानी बेसिकली क्या हो गया, 1, फिर मतलब इसको कर सकते 3/0, 3/1, 3/2, 3/3। समझ रहे हो आपको? ये चीज वो कहते हैं जीपी, ठीक है बात। अरे आप समझ में आया बात? और इसी में अगर इनफाइनाइट टाइम दे दिया, वो भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होना चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट जीपी। अरे बैठा कि नहीं बैठा? और जो रेशियो होना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर कंडीशन है कि अगर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो होता है वो होता है a/(1 - r), और रेशियो जो होना चाहिए वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बात? अरे बोलो ना, हाँ तब ये लिखते हैं। बाकी तुम मैथ में पढ़ना, वो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, है ना। तो बात समझाना था सिर्फ, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है ना, डबल होता जा रहा, मतलब पावर बढ़ता जा रहा है, 2, 3, ठीक है। 1 प्लस में 2e, पहला टर्म 1, 1 माइनस में कॉमन रेशियो e। क्या तुम लोग को दिख गया? दिखा कि नहीं दिखा? 1 माइनस में e, 2e/(1 - e) सॉल्व करेंगे तो t टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, 1 प्लस में e/(1 - e) यानी मिला। और t कितना था? √2h/g, 1 प्लस में e/(1 - e)। क्या तुम लोग को समझ में आई बात? अरे अब तो आया होगा, ठीक है। अभी मेरा सवाल ये था कि हमको निकालना था एवरेज स्पीड। क्या निकालना था? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसने टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कितना कवर करा था, अभी निकाले थे, h टाइम्स ऑफ इतना निकाले थे ना, देख लो, ये ना था टोटल डिस्टेंस, और अभी निकाले टोटल टाइम, ये वाला, दोनों को डिवाइड कर देते। क्या था यहां से? h टाइम्स ऑफ 1 प्लस में e^2/(1 - e^2 को टी से डिवाइड करना है, √2h/g, 1 प्लस में e/(1 - e)। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां पर दिख रहा है क्या, ये h अगर अंदर चल जाएगा क्या बचेगा, h^2/(2h/g, है ना, ऐसा। और ऊपर हो गया 1 प्लस में e^2/(1 - e)² इंटू 1 प्लस में e/(1 - e), ऐसा हो जाएगा क्या? एक h से एक h खत्म हो गया, क्या बचा? GH/2 और 1 प्लस में e^2/, देखो तो एक ये खत्म हो गया क्या, तो 1 प्लस में e^2। ठीक है। अरे बोल रहे, तुम लोग का सांस उखड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक ही था, ज्यादा नहीं था। इसको बोलते हैं एटॉमिक कॉलिजन। क्या बोलते इसको? एटॉमिक कॉलिजन। कोई सवाल? सपोज कर लो कि अगर मैंने एक, पहले बाद में बात कर लेंगे एटॉमिक कॉलिजन वगैरह के ऊपर, रैंडम मोशन काय कर रहा है बीच में, तो ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करना कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर एक m2 मास है, ठीक है, और एक m1 मास है। ध्यान समझना, और ये u रफ्तार से आया है और ये रेस्ट में है, ठीक है। क्या तुम लोग को दिख गया? m1 मास m2 पर जाकर के जो रेस्ट में, उससे जाकर के हिट कर गया,
मेरा सवाल ये नहीं है कि M2 के साथ में क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इलास्टिक कोलिजन हुआ है। हाँ एक बात तो तय है कि जो टक्कर होने के बाद M1 वाले का रफ्तार अगर बोल दें कि V1 हो जाएगा और M2 वाले का रफ्तार अगर हम V2 कर दें तो कोई तकलीफ नहीं होगा किसी को, है ना। हाँ तो क्या हम ये बात कह सकते, क्योंकि ये रेस्ट में है तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं ना, M1U लिख देते हैं, अब प्लस में 0 इक्वल टू M1V1 प्लस में M2V2, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता है ना, तो सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो गया, V2 माइनस V1 बराबर U माइनस में 0, ये हो गया। अगर हम एक काम करें कि इसको हम M1 से मल्टीप्लाई कर लें तो मेरा V1 खत्म हो जाएगा, है ना, ये वाला V1 और ये V1 खत्म हो जाएगा, क्या लिखोगे, M1V2 आप प्लस में M2V2 इक्वल टू M1U प्लस में M1U, सही लिखे क्या, सही लिखे क्या, देखो जल्दी से क्या, अगर हम इसको M1 से मल्टीप्लाई करें तो ये खत्म हो गया ना M1V1, तो बचा क्या M1V2 M2V2 प्लस में ये M1U M1U, ठीक है ना, यहाँ V2 दिख रहा है क्या, हम V1 चिट्टों का उड़ा दिए, हमको नहीं उड़ाना चाहिए था, ठीक है, मेरा मकसद था M1V2 को उड़ाना, ठीक है। सुनो ध्यान से, हम क्या करना चाहते हैं इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा तुमको, कमाल का चीज पता चलेगा। सेकेंड नंबर में हम V2 उड़ाना चाहते हैं, एक काम करते हैं इसको M2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर हम M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, M2V2 माइनस में M2V1 बराबर M2U, यहाँ तक ठीक है ना, अभी कुछ नहीं किए हैं सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, और ऊपर वाले को लिख लेते हैं M2V2 प्लस में M1V1 इक्वल टू M1U, ठीक है ना, अब दोनों को सेपरेट कर दें तो काम चल जाएगा क्या, अब तो तुम लोग के लेवल पे बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं करेगा, अरे सही लिखा है ना, अरे सही है ना। हाँ तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ से, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो क्या हो गया देखो, तो M1V1 माइनस में M2V1 माइनस इक्वल टू M2U माइनस में M1U, अब हाँ हेलो, हाँ 10 10 मिनट 10 मिनट क्लास में, हेलो, अगर हम यहाँ से माइनस को घुमा फिरा लें तो मेरा काम बन जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा क्या, M1V1 प्लस में M2V1 बराबर हो जाएगा M1U माइनस में M2U, सही लिखें क्या, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो M1 माइनस में M2 बाई M1 प्लस में M2 इंटू यू, सही लिखें क्या, सही लिखें ना, अरे सही लिखें कि नहीं लिखें, देख लो भाई ध्यान से जल्दी से, अरे कोई नया काम नहीं किया है तुम लोग को, तो पता है ना V1 ऐसे निकालते हैं, कोई दिक्कत है किसी को, देख लो भाई सही से चीज निकाल ले, V1 बराबर क्या हो गया, M1 माइनस में M2 इनटू U बाय M1 प्लस में M2, ठीक है, तो V1 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, M1 माइनस में M2 बाय M1 प्लस में M2 इनटू U, ठीक है, मेरा मकसद था सिर्फ यही निकालना। क्यों, मेरा सवाल ये था कि जब ये बॉडी इससे टकराया, छोटा जो भी M1 मास M2 से टकराया तो M1 का रफ्तार घटा और M2 का रफ्तार बढ़ा, ये हुआ क्या, ये हुआ ना, तुम लोग इतना समझते हो ना भाई, M1 वाला अगर M2 से टक्कर करेगा तो M1 का रफ्तार घटेगा और M2 का बढ़ेगा, तो पूरा एनिमेशन दिखा चुके तुम लोग को, ये तो पता है हमको, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि M1 के काइनेटिक एनर्जी में कितना का लॉस हुआ परसेंटेज में बता दो, मेरा सवाल समझ में आया सबको, कि जो टक्कर खाया है उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना का लॉस हुआ है, ठीक है,
इलास्टिक कॉलिजन में नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होता नहीं है, जितना काइनेटिक शुरुआत में होता है उतने बाद में होता है, लेकिन M1 का तो रफ्तार घटा है ना, इतना बात फील हो रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम लोग को? तो M1 का काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ हम ये निकालना चाहते हैं, ठीक है? अभी हमारा है ना आर इंटरेस्ट इज क्या, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 ब्लॉक। तो बता दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉस क्या होगा? तो कहोगे सर शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी था बाद में घटा दीजिए, तो शुरुआत में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे बाद में, हाफ ऑफ M1V1 का स्क्वायर, क्योंकि बाद में रफ्तार V1 चल रहा है ना, है ना? अरे शुरुआत में M1U से चल रहा था, बाद में M1V1 से चल रहा था, ठीक है? नहीं कि ठीक है, चलिए बताओ, ठीक है ना? हाँ घटा देंगे, क्या हो जाएगा देखो, तो हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ M1V1, V1 लिख देते, इसका स्क्वायर करेंगे तो U स्क्वायर M1 माइनस में M2 बाय M1 प्लस में M2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर तो कॉमन नहीं आ गया दोनों में, नहीं आ गया, क्या बचा, वन माइनस में M1 माइनस में M2 का होल स्क्वायर है ना बाय M1 प्लस में M2 का होल स्क्वायर। क्या है ऐसा लिख सकते, क्या क्या हम ऐसा लिख सकते, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर, इसको तो बाय एलसीएम भी लिख सकते हैं ना, M1 प्लस में M2 का होल स्क्वायर, और इधर चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2M1M2। बहुत इरिटेटिंग है जी, इसको पढ़ाना भी बहुत इरिटेटिंग होता है, ठीक है? तुम लोग के लिए पढ़ना भी थोड़ा होगा, नौटंकी वाला चीज है कि नहीं है, समझ रहे हो को? इतना हो गया ना, तो क्या होता है ये हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर, और ये देखो तो क्या मिला, 4M1M2 बाय M1 प्लस में M2 का होल स्क्वायर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ रे, चलिए बोलो रे, हाँ कुछ गड़बड़ किए क्या रे, कुछ गड़बड़ किए क्या? नहीं ठीक, ठीक है ना? तो के लॉस का मतलब कितना हो गया बताओ, तो के लॉस कितना आया, हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर, M1U का स्क्वायर इंटू 4M1M2 बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात सोचो है ना, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? पूरा जो कहानी सिर्फ इतना किए वो इसी के लिए किए कि हमें कुछ समझ में आए, है ना? अगर मान लो कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, क्या ये कोई बिग, हाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जानते हो ना, एट रेस्ट पर है, ठीक है? और यहां से एक न्यूट्रॉन आया है टक्कर मारने के लिए इसको किसी यू रफ्तार से, क्या मारने आया है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है याद है, 1, और चार्ज नहीं होता यह पता है ना, और अगर न्यूक्लियस है तो उसके पास कितना होता है एटॉमिक मास, ये होता है क्या, होता है कि नहीं होता? अरे न्यूट्रॉन आया है न्यूक्लियस को हिट करने के लिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे न्यूट्रॉन आया है भाई, न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई फोर्स उस भी नहीं लग रहा, जैसे मार देगा पड़ाक से खींच करके, कर सकते कि नहीं कर सकता? तो बता सकते हो M1 कितना है, 1 AMU है कि नहीं न्यूट्रॉन का, और M2 कितना हो गया, AAMU हुआ क्या? इस चक्कर में हमारा कंसीडर ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ है ना, काइनेटिक लॉस ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना का हुआ, मेरा ये सवाल बता सकते हो क्या, के लॉस कितना हुआ? अरे हाँ, तो हाफ ऑफ M1 कितना है, 1
यू स्क्वायर इंटू 4m11 ए बाय 1 प्लस में ए का होल स्क्वायर, क्या सही लिखे हैं क्या? अरे सही लिखे ना, तो हाफ ऑफ क्या बचा, 4a u1 u का स्क्वायर बाय, हम क्यों नहीं 4 काट रहे हैं बाद में समझाएंगे, क्या इतना का लॉस हुआ है क्या? क्या हमको निकालना है परसेंटेज लॉस, तो क्या बोल देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कर दें कर दें, ऐसे बताते हैं ना, तो चेंज इन काइनेटिक यही है क्या, जितना का चेंज आया है, क्या आया, हाफ ऑफ 4a u² बाय 1 प्लस में a का होल स्क्वायर इंटू 100 बाय इनिशियल करेंगे कितना, हाफ ऑफ 1 इंटू यू स्क्वायर, ये है ना, अरे शुरुआत में ये है ना, तो हाफ यू स्क्वायर, हाफ यू स्क्वायर खत्म हो गया, जो बचा वही कितना बचा देखो, तो 4a बाय 1 प्लस में a का होल स्क्वायर इंटू 100 इतना परसेंट, ठीक है। अब इस पूरे कहानी का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है हमारा यूरेनियम 235, क्या है, यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है बात, और इससे आकर के एक न्यूट्रॉन हीट करा है, कौन हीट करा है, यूरोप तार से। मेरा सवाल ये है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के परसेंटेज चेंज बताओ कि एनर्जी में कितना आया, तो क्या हम लोग जान रहे हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 4a/1 प्लस में a का होल स्क्वायर, ये है ना, है कि नहीं है, 4a/1 प्लस में a का होल स्क्वायर, ये है ना, अरे है कि नहीं है, ए कितना है एटॉमिक मास, 235 बाय 1 प्लस में 235 का होल स्क्वायर इंटू 100, सही लिखे क्या, क्या सही लिखे हैं, कितना हुआ देखो तो, कितना हुआ, 4 × 235 डिवाइड बाय 236 का होल स्क्वायर कितना है, 236 × 236, तो कितना आया रे, जीरो पॉइंट 0168, ठीक है, इंटू 100 कितना हो गया, 1.68%, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, रुक जाओ थोड़ा सा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखो तो पीछे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, m1 u² m1 v² v1 कितना है, m1 m2 2 होल स्क्वायर, ठीक तो लिखे हैं, 4m1 m2 बाय प्लस में 2 होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, सुनो सुनो सुनो, सही बनाया, या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये किसका निकाले देखो, तो ये परसेंटेज कहने किसका निकाल दी, ए यानी कि यूरेनियम का, किसका निकाले, इतना परसेंट लॉस ऑफ यूरेनियम निकाल दिए, क्या निकाल दिए, यूरेनियम। मेरा सवाल था काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसका, न्यूट्रॉन का ना, तो न्यूट्रॉन का वजन लेंगे क्योंकि m1 ना डालना था यहां पर, देखो तो, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ रहे हो, तो परसेंटेज कैलोरी लॉस कितना आ गया देखो, तो 4 × 1/1 + 1 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो कितना बचा, 400/2 का स्क्वायर कितना हो गया जी, सॉरी 400/1, 100% का लॉस आ गया, ठीक है।
अरे रुक जाओ क्वेश्चन ही गलती नहीं है जी, तब ना हम फंस गए हैं। ठीक है यहां तक। अरे ये समझ में आया एक बात कि नहीं आया? ये सही था, ये सही था, सॉरी न्यूट्रॉन था, ये भाग रहा था उसे, ये ठीक है ना। अरे अब क्वेश्चन हम मेरे दिमाग से उतर गया था। सुनो हेलो, हाँ सुनो, मेरा सवाल कुछ और था। ठीक है, न्यूट्रॉन था, ये यू रफ्तार से जा रहा है, और ये ड्यूट्रॉन से टकराया। किसे टकराया है? ड्यू करने आया है ना रे। अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस ले लो सबका। हाँ, एक न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन से टकराया। ड्यूट्रॉन समझते हो? हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं क्या, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद है सबको? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, सबको पता है कि नहीं पता है? तीन आइसोटोप होते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक मास वन, इसका एटॉमिक मास दो, इसका एटॉमिक मास तीन होता है क्या? ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि बताओ परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? क्या था? 4a/1+a का होल स्क्वायर था, 4a/1+ में a का होल स्क्वायर इंटू 100। तो 4a न्यूट्रॉन है, तो a का वजन कितना हो गया इसका? 2 इंटू 100 बाय 1+ में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 800/9। 800/9 कितना हो गया? अब ठीक आया, 88.89%। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या निकाले हैं ये। एक न्यूट्रॉन, क्या तुम लोग कितना दिख गया? हम तुम लोग से बात करें अब। सुनो, अगर हम बोल रहे हैं कि एक यूरेनियम है, समझ रहे हो बात को? यूरेनियम जानते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर, सुने हो? न्यूक्लियर रिएक्टर, कोई तो कुछ बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, यूरेनियम नहीं जानता तुम, एलिमेंट है रे। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, बताते अब यही सब बात करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली यूरेनियम नाम का एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत हो बोलना। यूरेनियम नाम का एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर हम रेडियोएक्टिव समझते हो, उसके अंदर में अगर किसी भी तरह का उस बाहर से एक फॉरेन पार्टिकल डाल दिए, तो न्यूक्लियस जो है ना उसका इतना अनस्टेबल होता है कि वो टूट जाता है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस हद ही अनस्टेबल होता है, तो थोड़ा सा भी अगर कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल अगर आ जाएगा, उसके न्यूक्लियस में घुस जाएगा, तो उसका न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा। अगर न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तो उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलेगा, वो बहुत ज्यादा होता है, और उस एनर्जी से हम लोग पानी गर्म करते हैं। जो पानी होता है वहां पर होता है, उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O बोलते हैं। क्या बोलते उसको? H2O नहीं, D2O, जिसके बारे में हम यहाँ पर ड्यूटेरियम के इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे थे। क्या था यहाँ पर बता तो, है ना? अगर हम बात करें, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर में ये रहा यूरेनियम और बाहर में रहा पानी। ये पानी क्या है? D2O है। ठीक है, ये क्या है? यूरेनियम। ठीक है, बात समझ गए बात को? अब देखो ध्यान से, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब बाहर से क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन को जाकर के यूरेनियम में हिट करवा दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मान लो कि एक न्यूट्रॉन है, यूरेनियम जो है 235 वाला, जिसको 92 नंबर पर होता है, अगर एक न्यूट्रॉन से हिट करता है तो एक बेरियम बनाता है, क्रिप्टन बनाता है, साथ में तीन अलग अलग न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन बनाता है, प्लस में गामा पार्टिकल, प्लस बहुत सारा एनर्जी निकालता है ना। ये एक रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रॉन निकला है, क्या निकला है? ये तीन गो न्यूट्रॉन निकल गया, यानी कि एक न्यूट्रॉन गया और तीन न्यूट्रॉन अंदर से निकाल लिया। क्या फील हुआ सबको? एक न्यूट्रॉन गया, उसके अंदर से तीन न्यूट्रॉन निकाल लिया। तुम लोग को समझ रहा है? समझ रहे हो? मान लो कि मेरा हाथ अभी यूरेनियम है, इधर से गया, गया एक न्यूट्रॉन गया, मारा, फूट गया, ये दो हिस्सा में टूटा, या तीन हिस्से में टूटे, चार हिस्से में टूटे, कितने में टूटे वो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके अंदर से मैक्सिमम तीन तक न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। अब इमेजिन करो कि उसकी स्पीड कितनी होगी, बहुत रफ्तार से चीजें हो रही, बहुत रफ्तार से निकलेगा सब फटाफट। क्या फील हुआ सबको बात?
अरे न्यूट्रॉन, हाँ यूरेन, न्यूट्रॉन जो निकला है उसकी रफ्तार तो बढ़ी है, तो जैसे ही न्यूट्रॉन आगे बढ़ा तो बाहर सराउंडिंग में क्या दिखा उसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, D2O दिख गया। वो न्यूट्रॉन जा करके फटाक से हिट कर जाता है उसके न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से टकरा करके उसे मुंह झुलवा जाता है, समझे हो। जब रफ्तार था उसकी 89% तक एनर्जी लॉस कर जाती है जैसे ही ड्यूटेरियम से टकराता है, आया समझ में बात। तो फिर स्लो मूविंग हो जाता है, जैसे स्लो मूविंग हुआ तो फिर जाकर के दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को मार दिया, क्योंकि एक वो न्यूक्लियर, एक वो तो यूरेनियम तो नहीं होगा बगल में, बहुत सारा एक मान लो इतना बड़ा सिलेंडर, इतना भी बड़ा अगर यूरेनियम रॉड रख दिए हैं उसमें समझ सकते कितने यूरेनियम होंगे, 6.0 × 10, 1 मोल से भी ऊपर, बैठा दिमाग में। उतने न्यूट्रॉन बगल में होंगे, उतने सारे यूरेनियम होंगे, सबको फटाफट तोड़ने लगेगा, और इसी रिएक्शन को हम कैरी आउट करते रहते हैं, समझ गए बात को। तो मेरा मकसद क्या है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होना चाहिए जो कि यूरेनियम को जाकर के हिट करे, और हिट करने के बाद जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन निकला उसको फिर स्लो करे, ताकि वो आगे फिर से कंटिन्यू प्रोसेस में चला जाए। सबको समझ में आया। और इसी को बोलते हैं, इसी जो पूरे प्रोसेस में जो हमने ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज करा है वो बेसिकली उस चीज को मॉडरेट करता है ना, जो सॉरी को आगे कैरी आउट करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं, D2O को बोलते हैं मॉडरेटर, क्या बोलते इसको, मॉडरेटर हाँ, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आया, गुड। अब मिलते हैं परसों संडे को, ठीक है, ठीक है। चैप्टर हो गया खत्म, HC वर्मा से पूरा का पूरा चैप्टर बना लेना, ठीक है, और 2-3 दिन और लगेगा इस चैप्टर में। हाँ कौन, हम कहेंगे संन्यास लेंगे जी, देखो मस्त है, महाराष्ट्र में है और कहाँ रहना चाहिए। देखो तुमको तो ऐसे, देखो देखो तुमको तो ऐसे भी कोई फर्क वर्क नहीं पड़ना है, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ रहा है, ठीक है। अब ऐसे लास्ट हो जाएगा धप्पा मारने के लिए तो आना नहीं है, कोई फायदा नहीं है, हम क्या बोलते हैं। हाँ क्या, कम से कम क्या होता है। अच्छा एक एक सिंपल सवाल तुम लोग से पूछते हैं, क्या किसी को कोई ऐसा फील होता है कि मतलब ऑफलाइन नहीं है क्या, तुम भी तो लेट से आए, तुमको तो फील होगा ही, जो कंटिन्यू है शुरुआत से है ना, तो जो कंटिन्यू आ रहा है उसको ज्यादा इशू तो नहीं हो रहा है ना। नहीं हम कहाँ से आ पाएंगे, हम तो 48 घंटा दूर पे, पटना से 2.5। हाँ चलो, हाँ हाँ किसको, तुमको ना,